सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का जो वीडियो है वो है कैसे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करके आप नॉट ओनली यूएस स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यूएस मार्केट को बहुत डीपली फॉलो करते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट का मूवमेंट से ही हमारे देश के एनएससी और बीएससी का मूवमेंट निर्धारित होता है। क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारा जो निफ्टी या फिर सेंसेक्स है वो पूरा यूएस मार्केट को डीटो कॉपी करता है। आज अगर यूएस मार्केट गिरता है तो कल निफ्टी भी गिरेगा, आज अगर यूएस मार्केट बढ़ता है तो कल निफ्टी भी बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस मार्केट पे वो इन्वेस्ट करते हैं और यूएस मार्केट बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ेगा, लेकिन अगर इंडियन मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट उसके साथ साथ गिरेगा, क्योंकि इंडिया यूएस को फॉलो करता है, यूएस इंडिया को फॉलो नहीं करता। और जैसे ही हमारा निफ्टी डे बाई डे लाइफ हाई छू रहा है, रिस्क और भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट में भी रिस्क नहीं है, वहाँ पर भी रिस्क है, लेकिन मतलब फॉर्मूला तो यही है कि अगर यूएस मार्केट गिरता है तो हम तो गिरेंगे ही, लेकिन अगर हम बढ़ेंगे तो यूएस मार्केट के साथ साथ ही बढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस मार्केट पे ही इन्वेस्ट कर दे, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा सेफ रहे। कैसे कर सकते हो आप, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे, जब आप कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो वहाँ पे लोग आपको कभी ये बोल के मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप यूएस स्टॉक मार्केट पे जाके इन्वेस्ट करो। हालांकि वो हर दिन सुबह आपको यूएस और इंडियन मार्केट का जो कंपटीशन है वो आपको दिखाएंगे। इसका यही रीज़न है क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है वो नॉर्मली सोल्ड आउट होते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ब्रोकर से कमीशन पाते स्टॉक को प्रमोट करने के लिए, स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने के लिए। नॉट ओनली ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और ब्रोकर और कंपनी का बिजनेस भी एक्सपेंड हो, उसी के साथ साथ उनका व्यूअर्स भी बढ़े और ज़्यादा लोग उस चैनल को देखें जिससे उनका टीआरपी भी बढ़े। लेकिन वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप कैसे डाउ जोन्स में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको मोटिवेट भी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है आप डायरेक्टली डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करो। जैसे आप इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या सेल करते हो थ्रू स्टॉक ब्रोकर, वैसे ही आप यूएस मार्केट में भी डायरेक्टली स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। हमारे देश में कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जैसे आईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोस्टैक सिक्योरिटी, रेलिगियर, आईआईएफएल, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके लिए इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। एक्चुअली ये जो सारे ब्रोकर है इन लोगों का यूएस में जो बड़े स्टॉक ब्रोकर है उनके साथ टाई अप होता है, और आप इन ब्रोकर के थ्रू यूएस मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होता। हालांकि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है मोर ऑन लेस सेम ही होता है इंडिया की तरह। आपको फॉर्म FA2 जो फेमा के अंडर आता है, जो भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको सबमिट करना होता है। उसी के साथ साथ आप मैक्सिमम $2.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट रूल होता है कि आपको ब्रोकर कोई मार्जिन प्रोवाइड नहीं करेगा, जितना आपका कैपिटल है उतना ही आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकोगे, एंड आप वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप नॉर्मल बाइंग कर सकते हो। और जो बड़ा इफेक्ट होता है वह करेंसी कन्वर्शन चार्जेस। जब आप यूएस स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो करेंसी को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको करेंसी कन्वर्शन चार्ज भी पे करना पड़ता है बोथ टाइम। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी आपको पे करना पड़ेगा, और जब आप स्टॉक को सेल करके कैपिटल विथड्रॉ कर रहे हो उस टाइम भी आपको कैपिटल कन्वर्शन चार्जेस पे करना पड़ेगा, जिससे आपका जो मुनाफा है वो कम होने का चांसेस लगा रहता है। तो ये था प्रोसेस था डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारे देश के जो रिटेल इन्वेस्टर होते उनके पास उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं, या फिर उतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिलता कि इंडिया के साथ साथ यूएस मार्केट के सारे स्टॉक को एनालिसिस करके, क्योंकि वहाँ का एनालिसिस प्रोसेस है वो इंडिया की तरह नहीं होता, उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि हम सबको ये पता है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना है तो हमको उन पर्टिकुलर कंपनियों में फोकस करना चाहिए जो ग्लोबल में जिन कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लाइक गूगल, लाइक अमेज़न, लाइक एप्पल, ओके,
यूएस मार्केट में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है, हम उन सारे स्टॉक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सारे दुनिया में उन पर्टिकुलर कंपनियों का एक्सपोजर होता है और वो कंपनीज बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी होते हैं इन एस्पेक्ट। अगर उन कंपनियों में गिरावट आ जाए तो उनका सीधा सीधा असर दुनिया के सारे कंपनीज में भी पड़ते हैं जो उन्हीं सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत फेमस है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, जहाँ पे FII भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें फॉरेन ब्रोकरेज कंपनी होते हुए फॉरेन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। तो अगर आप इंडिया के साथ साथ US मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो इससे नॉट ओनली आपका रिटर्न बढ़ेगा और आपका कैपिटल ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसका एक और भी प्रोसेस है जो कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है और ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर प्रोसेस है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपका ज़्यादा आपको हेडेक नहीं होगा। ये होता है थ्रू म्यूचुअल फंड, इसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन पाता है FOF, यानी कि फंड्स ऑफ फंड। इसका मतलब होता है आप जब किसी इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड फॉरेन फंड में इन्वेस्ट करता है। वो डायरेक्टली किसी ETF में भी इन्वेस्ट कर सकता है, सिंगल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर मल्टीपल फंड में भी इन्वेस्ट करता है। तो FOF जो है, यानी कि फंड्स ऑफ फंड, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप US मार्केट या फिर दुनिया के किसी भी मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड अनदर पॉपुलर जो प्रोसेस है वो है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ज़्यादा तो ETF होते हैं वो नॉर्मली इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, यानी कि लाइक NASDAQ हो गया, लाइक Dow Jones हो गया। जब आप अपना कैपिटल किसी इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो फॉरेन ETF में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप किसी इंडियन ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो किसी अब्रॉड ETF में वही कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है फीडर फंड। फीडर फंड का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो US का एक बड़ा फंड है जो कि एक मॉन्स्टर फंड है और वो सारी दुनिया से अमाउंट कलेक्ट करता है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम UK, फ्रॉम रशिया, उनके बहुत सारे सब फीडर फंड होते हैं जो उनके लिए अमाउंट कलेक्ट करता है और फिर वो सारा अमाउंट जाके जमा होता है मॉन्स्टर फंड में और वो पर्टिकुलर फंड जो है वो उसको स्टॉक्स ETF में इन्वेस्ट करता है। मेन फंड होता है वो मान लो US में है जिसे हम मॉन्स्टर फंड कहते हैं, और इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया में जो फंड है उसके आप उसे सब ब्रांच भी कह सकते हो, या फिर वो कलेक्टर फंड का भी रोल प्ले करते हैं। वो एक कलेक्शन सेंटर है जो आपसे, हमसे, सभी से, दुनिया के हर कंट्री में हर रिटेल इन्वेस्टर से अमाउंट कलेक्ट करता है और सारा अमाउंट जाके जमा होता है वो मॉन्स्टर फंड में। फिर वो मॉन्स्टर फंड अपने तरह से उस पर्टिकुलर कैपिटल को निवेश करता है। लास्ट में आता है AMF, यानी कि एक्टिवली मैनेज फंड। मान लो आप इंडिया में किसी फंड को अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और अब वो फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लाइक गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा या मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसके रिसर्च के ऊपर, उसके ऊपर। उसका मेन टारगेट है आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करना, आपका मेन टारगेट है ज़्यादा रिटर्न अर्न करना। तो एक्टिवली मैनेज फंड होता है जहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसके पास पूरा आज़ादी होता है कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे। वो अपने हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर मल्टीपल कंपनीज में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। अब आपको कुछ एग्जांपल देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जांपल देने के बाद ही आप चीज़ को पूरी तरह से समझो। अब टॉप जो ग्लोबल एक्सपोजर वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें से नंबर वन आता है DPS ग्लोबल एलोकेशन फंड, जिसका एक साल में रिटर्न है 20% प्लस, 3 ईयर रिटर्न है 11% प्लस और 5 ईयर रिटर्न है 8% प्लस। सेकेंड आता है एडिलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, जिसका 1 ईयर में रिटर्न है 60% प्लस, 3 ईयर में 20% प्लस, 5 ईयर में 20% प्लस, 7 ईयर में 50% प्लस और 10 ईयर में भी 15% प्लस। थर्ड आता है निपोन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका 1 ईयर रिटर्न है 21% प्लस, 3 ईयर रिटर्न है ऑलमोस्ट 19% प्लस और 5 ईयर रिटर्न है 16% प्लस। फोर्थ ICICI पोटेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका 1 ईयर रिटर्न है 20.54%, 3 ईयर रिटर्न है 19.70% और 5 ईयर रिटर्न है 15.63%, 7 ईयर रिटर्न है 13.57%। देन DSP US
फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड 1 ईयर रिटर्न 23% प्लस, 3 ईयर रिटर्न 16% प्लस, 5 ईयर रिटर्न 13% प्लस, 7 ईयर रिटर्न 12% प्लस। फिर आता है आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड प्लान ए, 1 ईयर रिटर्न 13% प्लस, 2 ईयर रिटर्न 3 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट 14%, 5 ईयर रिटर्न 9% प्लस एंड 7 ईयर रिटर्न 7.3%। ये जो सारे फंड्स है इंटरनेशनल बहुत पॉपुलर फंड है। और अगर हम ETF फंड का एक एग्जांपल दें, मोतीलाल ओसवास नैसडेक 100 फंड है जो कि बहुत एक पॉपुलर फंड है ETF कैटेगरी में, तो ये सारे जो एग्जांपल है वो सारे इंटरनेशनल फंड के एग्जांपल है। और आपको रिटर्न देख के भी ये पता चल रहा है कि जो रिटर्न है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इस टाइम जब हमारा पूरा इंडियन मार्केट है वो US को फॉलो करता है, तो क्या तो आप अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। आप 50% इंडिया में इन्वेस्ट करो, 50% आप US मार्केट पे भी थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे कभी भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जहाँ पे अगर आप खुद एज अ स्मॉल रिटेलर डायरेक्टली किसी ब्रोकर के थ्रू बाइंग या सेल करने जाओ, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ डॉलर साइकिल रिस्क भी लगा रहेगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस जब चेंज होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट भी आपके रिटर्न के ऊपर पड़ता है। अगर आप सीधे सीधे थ्रू अ फॉरेन ब्रोकर US मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डॉलर साइकिल के भी ध्यान रखना पड़ेगा। डॉलर का प्राइस अप है, डॉलर का प्राइस डाउन है, इसका भी पूरा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर है लाइक HNI इन्वेस्टर, वो भी फॉरेन ब्रोकर के थ्रू US मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो स्मॉल रिटेलर है जो कि US मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, उनके पास उतना कैपिटल भी होता है, नॉलेज भी नहीं होता, और उनको ये सारे रिस्क भी फेस करने पड़ते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है थ्रू फंड, म्यूचुअल फंड ETF के थ्रू भी आप डायरेक्टली US में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न पा सकते हो। क्योंकि मान लो कल अगर इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के भी थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इंडियन मार्केट बहुत जोर से गिरेगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट US मार्केट पे नहीं आएगा। लेकिन अगर US चाइना के भी टेंशन बढ़ता है तो US भी गिरेगा, उससे ज़्यादा इंडियन मार्केट भी क्रैश होगा। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बनोगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।